जीवों में विविधता भाग पांच। चलिए जानते हैं अब तक इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। इस बहुत बड़े पाठ में हमने पहले पांचों जगत के बारे में चर्चा की, फिर हमने उनकी सभी विशेषताओं को विस्तार से जाना। तत्पश्चात हमने एनिमेलिया वर्ग को पांच उपवर्गों में विभाजित किया। इस पाठ में हम एनिमेलिया के ही एक उपवर्ग वर्टिब्रेटा को कुछ उपवर्गों में विभाजित करेंगे तथा उनकी विशेषताएं विस्तार से जानेंगे। पिछले पार्ट में हम वर्टिब्रेटा के बारे में जान चुके हैं, तो चलिए उसका एक बार फिर पुनः अध्ययन कर लेते हैं। इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतः का कंकाल पाया जाता है। इसके कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग होता है तथा पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है जो इन्हें चलने में सहायता करती है। वर्टिब्रेट द्विपार्श्व सममिति त्रिकोरक देह गुहा वाले जंतु हैं। इनमें ऊतकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। वर्टिब्रेटा को कशेरुक जंतुओं से भी जाना जाता है। इन सभी कशेरुक जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। सबसे पहला नोटोकॉर्ड, दूसरा प्रश्ननलीय कशेरुक, तीसरा युग्मित क्लोम थैली और चौथा देह गुहा। वर्टिब्रेटा को पांच वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला मत्स्य, दूसरा जल स्थलचर, तीसरा सरीसृप, चौथा पक्षी और आखिरी स्तनपाई। पहला मत्स्य, ये मछलियां हैं जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगहों में पाई जाती है। इनकी त्वचा शल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है। ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करती है। इनका शरीर धारा रेखीय होता है तथा इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं। ये असमतापी होते हैं तथा इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है। इसका उदाहरण है शार्क। अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है, जैसे ट्यूना और रोहू। मत्स्य वर्ग के कुछ उदाहरण हैं शार्क, रोहू, ट्यूना इत्यादि। दूसरा जल स्थलचर, ये मत्स्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें शल्क नहीं पाए जाते हैं। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं तथा हृदय त्रिकक्षीय होता है। इनमें बाएं कंकाल नहीं होता है। वृक पाए जाते हैं, श्वसन क्लोम अथवा फेफड़े द्वारा होता है। ये सभी अंडे देने वाले जंतु हैं। ये जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं। उदाहरण मेंढक, सैलामेंडर, टोड आदि। ये सभी असमतापी जंतु है। इनका शरीर शल्कों द्वारा ढका होता है। इनमें श्वसन क्रिया फेफड़ों द्वारा होती है।
हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है। वृक पाया जाता है तथा ये सभी अंडे देने वाले प्राणी हैं। इनके अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं तथा जल स्थलचर की तरह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाकी जंतुओं से अलग मगरमच्छ का हृदय चार कक्षीय होता है। सरीसृप के कुछ उदाहरण हैं कछुआ, मगरमच्छ, सर्प आदि। चौथा, पक्षी। ये सभी समतापी प्राणी है। इनका हृदय भी चार कक्षीय होता है। इनके दो जोड़ी पैर होते हैं तथा इनमें आगे वाले दो पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। इनका शरीर परों से ढका होता है तथा श्वसन क्रिया फेफड़ों द्वारा होती है। इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया है। पक्षी वर्ग के कुछ उदाहरण हैं गोरैया, तोता, कबूतर आदि। पांचवा, स्तनपाई। ये सभी समतापी प्राणी हैं। हृदय चार कक्षीय होता है। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनकी त्वचा पर बाल, स्वेद और तेल ग्रंथियां भी पाई जाती है। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। हालांकि कुछ जंतु अपवाद के तौर पर अंडे भी देते हैं, जैसे इकिडना, प्लेटिप्लस आदि। स्तनपाई जीवों के कुछ उदाहरण हैं कंगारू, वेल, मानव इत्यादि। सारांश, वर्टिब्रेटा को पांच वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, मत्स्य। इस श्रेणी में सभी मछलियों को रखा गया है। दूसरा, जल स्थलचर। इस श्रेणी में जंतु जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। तीसरा, सरीसृप। इस श्रेणी के जंतु असमतापी तथा त्रिकक्षीय हृदय वाले होते हैं। चौथा, पक्षी। और आखिरी, स्तनपाई। इस श्रेणी के जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं। धन्यवाद।